संभाल नीचे भागना जल्दी बारिश मुबारक सभी को। हम लोग नीचे आए क्योंकि हम लोग करने वाले टॉप बॉक्स इधर का उधर, ये वाला टॉप बॉक्स निकालने वाले और ये वाला टॉप बॉक्स लगाने वाले, क्योंकि जो मेरी बैग है वो बड़ी है एंड वो ये वाले टॉप बॉक्स में से आराम से सोती है, पर इसमें वो सो नहीं पाएगी। बारिश और ये बारिश में टॉप बॉक्स चेंज करने के बाद हम लोगों ने इतनी मस्ती की है कि व्लॉग क्या, हम लोग राइड भी नहीं जा पाए। प्लानिंग किया है हमारी अष्टविनायक की राइड, इसमें है मैंने प्रीवियस राइड की डिटेल्स, इसमें है मैंने डाउनलोडेड आइडियाज मुझे क्या चाहिए और इसमें है सॉन्ग्स, तो एनिमल को रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो मैंने डाउनलोड की है। इसमें सारी चीजें को कंपाइल करने के बाद जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो थॉट प्रोसेस से मैं ये अष्टविनायक वाली राइड करने वाली हूँ, वो पूरा मिलाकर मैंने एक क्रिएटिव बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बहन भाई और बाइक, शास्त्र के हिसाब से अष्टविनायक वाली राइड एंड स्टॉप एनिमल अब्यूज, स्टॉप एनिमल टेस्टिंग, डोंट ईट देम, लव देम, बाइक राइड्स Not animal rights. And जो तुम लोग को अभी मैंने मोबाइल में बताया वो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ एंड मुझे ऐसे चाहिए कि हमारी जो स्क्वाड RGV है वो भी ये चीज तक एक्सटेंड तक फॉलो कर सके, फॉलो करे, जितना एक्सटेंड तक इसको शेयर कर सकते हैं वो प्लीज शेयर करें। बस इतना ही फिलहाल के लिए, राइड प्रेपरेशन ब्लॉग है तो बताइए कि राइड का प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं। क्या है और ये हो गया हाड़े तीन बीच, एक सुन दो मोबाइल ऐसा एक और ये दो और एक ऐसा। मेजरमेंट के लिए हमारे पास कुछ है नहीं ना, ऐसे अंतरो वंत्रो वस्त्र कपड़े अंतरो अंतरो 350। कल राइट जाना है, अभी तैयारी चल रही है हमारी, सोचो पैनियर्स का माप फाइनली कैसे लिया है पता है मैंने, पेपर लगा कर पेपर में मैंने अपनी राइट प्लान की है, वो पेपर हाँ वन टू थ्री बीट मम्मी बोलती है, मैंने उल्टा बोल दिया पूरा, एमसील है हाँ इस पे ही बोर्ड लगाई थी मैंने, एमसील से बोर्ड उड़ गया, एमसील चिपक गया। अभी तुम लोग तो वीडियो देखते हो, तुम लोग को मालूम पड़ता है कि क्या कॉज है, बट जो लोग वीडियो नहीं देखते, जो मुझे रास्ते पे मिलते हैं, जो जो मेरी बाइक दिखते हैं, उनको भी अगर मालूम पड़ना चाहिए कि क्या कॉज है तो इट हैज टू बी बिग एंड ह्यूज। हेलमेट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स, बूट्स, वो सब तो मेरे पास है पर उनके पास नहीं है। पिछले व्लॉग में तुमने देखा था कि वी वर ट्राइंग टू एडजस्ट, जो गिव अवे वाला हेलमेट में से हम लोग हेलमेट नहीं निकाल पाए क्योंकि वो सिर्फ तुम लोग के लिए है, इसलिए उसको तो कैन कर दिया वो आइडिया। और जो जो हेलमेट्स मेरे पास है वो पवन को आ नहीं रहे क्योंकि वो मैंने ऐसा एस साइज में लिया एंड पवन एटलीस्ट नीड्स अ एम, तो और प्लस ऐसा नहीं है कि छोटी राइड है, ये लंबी राइड है एंड लंबी राइड में एटलीस्ट पिलियन का एंड राइडर का कम्फर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर हेलमेट। तो अभी हम लोग हेलमेट के छानबीन करेंगे पहले, बाकी का बाद में देखेंगे, फर्स्ट इज हेलमेट, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत गलत टाइम पे निकले हैं जहाँ पर होने वाली है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ड्रीम लेवल ट्रैफिक है गाइस। यहाँ पर है वेगा एक्सोर, एक्सोर हेलमेट और वेगा वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे के नीचे वाला जो रोड है ना, यहाँ पर ये वाला रोड, यहाँ पर काफी सारे शॉप्स है जहाँ पर मैंने अपनी बाइक की सीट बनाई थी अपनी कशिश की, तभी का एक और स्टोर आया, ये भी क्या लिखा हुआ है वेगा एक्सोर, ये रहा MD, अब क्या है ना इतने सारे हेलमेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर MT के, सराउंडेड बाय MT हेलमेट्स एंड अभी कौन सा लेना है इज अ प्रॉब्लम। मुझे पर्सनली जोकर दिखाई दिया तो ग्राफिक बेसिस पे लाइक द जोकर, बट काफी सारे हमको अंदर फैसिलिटीज चाहिए, लाइक एक हेलमेट में मुझे चाहिए जहाँ पर सन ग्लासेस हो इन बिल्ट, इंटरकॉम कनेक्ट करते हैं वहाँ पर स्पीकर के लिए जगह हो, योर हेलमेट शुड बी लाइट इन वेट। कलर में तुझे हेल्प करना पड़ेगा, एल इज योर साइज, कौन सा वाला लेना है उसमें ना, ये चक्कर नहीं आना चाहिए, अगर वो कंजस्टेड देखो सफोकेशन वाला लग रहा है दैट मींस दैट्स नॉट, ये कंफर्टेबल है, पर प्रेशर आ रहा है नहीं, ऐसे हेवी नहीं लगना चाहिए हेलमेट, श्योर है चश्मे वाले का यही प्रॉब्लम रहता है, एलईडी टीवीएन लग रहा है अभी फिलहाल, ऐसे नहीं हाथ से नहीं कभी ऊपर है साइड से ही करने का वरना वो खराब हो जाएगा लॉक। कुछ इशू था, खर्चा भी बहुत होता है
अब ये दोनों हेलमेट में 100 ग्राम इसका ज्यादा है। दो जड़ी चीज है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये देखा नहीं ना इन लोग ने अभी तक? नहीं, राइड पे देखना। ये छोटी सी क्या है, ऐसी राइड नहीं होती है, ठीक है? हाँ, पैसे डालने पड़ते हैं। और मेरा थोड़ा फंडा तो अलग है, मतलब ले रही हो तो एक ही बार लो और अच्छा लो वाला, छोटा भाई होना मतलब समझ लो, इसलिए मुझे मेरा भाई जीता लाइफ में। राइड राइड में जा रहे हो तुम तो, आ बेटे हेलमेट हेलमेट ले रहे हो, आ बेटे। हेलमेट शॉप पे एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जितने भी अंकल लोग हैं ना, वो अपनी आंटी को लेकर मतलब आ रहे हैं हेलमेट लेने के लिए, क्योंकि कल से मुंबई में रूल्स आ गया है कि पिलियन को भी हेलमेट कंपलसरी है। तो जितने भी लोग हैं मैं देख भी रही हूँ आसपास के भी पिलियन जो है वो हेलमेट कंपलसरी हो गया है। तो इवन यू गाइस, पिलियन के लिए हेलमेट कंपलसरी हो गया इफ यू फ्रॉम मुंबई। वैसे बैंगलोर बैंगलोर में तो पहले से ही है, एंड सेफ्टी के पर्पज से भी देखा जाए तो मतलब अपनी ही सोचते हो हेलमेट पहन, पीछे वाले को भी सोचो, हम सोच रहे हैं अपने पीछे वाले को, तुम भी सोच लो, बैठता है वो भी तो इंसान है, उसका भी तो सर बचाना है ताकि वो तुम्हारा सर खा पाए। ये अंकल अंकल है हक्के भाई हक्के, इन्होंने हेलमेट साथ में कैरी किया है। नाइस, मेरे को भी ओ नाइस डबल हेलमेट, आई लाइक इट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज राइनॉक्स। इसी राइनॉक्स के स्टोर में एंट्री किया, व्हाट आई सॉ इज देयर न्यू लॉन्च, इट्स अ टेल बैग। आते ही भाई क्लास लगी ना मुझे ये टेल बैग विद रेन कवर्स, इसके अंदर क्या मैं बताऊंगी। क्या है रे, इसका आउटर इनपुट कवर भी है बैक पैकर टाइप, and this also has this अच्छा एक और इधर भी है, sorry भाई ये तो लेकर चले, comfortable because ये straight है ना, either you wear it or either you hold it, that's संकेत। हम लोग से WhatsApp के through मिलते हैं since yours and अभी पहली बार मिल रहे हैं, so संकेत is gonna exchange my pants, वो पुरानी पैंट है उसको हम लोग हटा के ले रहे हैं, दो नया पैंट, एक मेरे लिए एक भाई के लिए। एंड इफ यू गाइस वांट टू बाय राइडिंग पैंट्स एंड जैकेट्स, आई वुड ऑलवेज प्रेफर, मतलब पर्सनली टेस्ट है, तुम लोग को पता है मेरे इतने एक्सीडेंट्स हो गए बट मैं बची हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ दीज गियर्स, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज अ जेन्युइन प्रमोशन दैट आई एम डूइंग, मुझे काफी टाइम से ये तुम लोग को बोलना था। दिस इज द वन दैट आई यूज करंटली, ये वाला मैं जो यूज करती हूँ वो ये वाला है। टैंग बैग तो राइनॉक्स की ही, आई वांट सजेस्ट किसी और की टैंग बैग, बाय वन गेट वन फ्री हेलमेट्स, बिलियंस कम बाय योर हेलमेट हियर। जो हमने हेलमेट खरीदा दैट कॉस्टेड मी 9500। पवन ने ट्राई किया एक और पैंट, ये कौन सा वर्जन है, स्टॉर्म यून ऑप्टिक्स, मैंने नियॉन देखा ले लिया, क्योंकि तू जब बैठेगा ना तो तुझे ऐसे पैंट ऊपर खोल ही करना पड़ेगा। ट्राई करवा रहे पवन को अभी बाइक पर बैठने का, कैसे बैठना है ना कि आगे, अभी तो सब ट्राई कर, आगे पीछे ऊपर नीचे सब, ऐसे नहीं बैठेगा, पीछे टॉप बॉक्स है, आगे बैठ वैसा, इमेजिन कर आगे बैठ वैसा ही, इमेजिन कर पीछे टॉप बॉक्स है, ऐसे नहीं लंगर लंगर के बोलिए ना, ऐसे डालना पड़ेगा देखो पैर। इन्हें पैंट ट्राई करा जब तक ये लोग, मैम ने ये भी चालू कर दिया, देखो लगे हाथ, पवन ने जो साइज लिया पैंट का वो एस से, और एस साइज मुझे भी आता है, तो बचा उसके ऊपर मैचिंग जैकेट। पवन तो एक ही राइड आ रहा है ना, बाद में वो पैंट तो अपनी ये फिर तो मैं आ रहा हूं, तो उसके ऊपर का मैचिंग जैकेट भी अपन ने फंड कर लिया है, अच्छा लग रहा है। बट नहीं, यहां से सीधा जा रहे लद्दाख, वो सब छोड़ हॉट लग रहा हो कि नहीं अंदर काकाशी ऐसे दिखने वाले। थैंक यू सर गेट के लिए, सी यू बाय गाइस, शॉपिंग हो गई है, ये लेट्स गो, आ बेटे राइट मैजिक, ये देखो नियॉन, हेलो हम लोग गए थे पेट्रोल पंप पे, अचानक से आगे बोलती जो स्क्रैच है वो साफ हो जाएगा, अब मुझे देखने की ये दूध का दूध पानी का पानी अब भी होने वाला है यार, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ना, और अपनी गाड़ी जो है ना फुल ऑफ स्क्रैचेस है, ठीक है, वो नीचे जो थूका हुआ है वो देखना है कैसे, मेरे को भी देखना है मैजिक, देखो गाइस आई एम गोना शो यू मैजिक ट्रिक नाउ, इसके जा रहा है शोरूम में जाओ जो पेन कर देंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है ये देखिए, फर्स्ट सर जेल देना है सर, सेकंड सर ये स्प्रे, और सर ओनली सर कपड़े से रब कर देना है, बट वो पेंट नहीं निकालेगा, वो निकाल देगा, हाँ जी देखो सारा क्लियर हो गया, मैजिक पूरा ब्लैक रह गया, ओनली फॉर स्प्रे, जैसे बॉडी स्प्रे यूज करते हैं मैडम वैसे ही यूज करना, दो महीने में एक बार, डेली नहीं करना है, पंच छोटा है ओनली, क्या करना है खाली आपको सुबह कपड़े से साफ करा देना है, ओ ओ यार दिस इज स्मूथ, सब प्रोडक्ट आज ही खरीदने वाला है तू, पता मन को जमाना, यहाँ ऑफर चल रहा है ओनली डबल वन टू नाइन का, पेमेंट फोन पे गूगल पे एटीएम क्या सब हो जाएगा। बाकी मैडम गाइस कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, 9027273738038032।
3-2। और आपका नाम? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा, अगर आपको भी ये बॉडी किट ऑर्डर करना है तो इनको कॉल करो, आ जाएगा बॉडी किट। ओके। या तो माहिम के पेट्रोल पंप में मिल जाएगा इसकी। इतनी बेकार वाली सिचुएशन अभी हो गई थी, लिटरली आई हैव टू जंप आउट ऑफ द कार क्योंकि 10 मिनट से एम्बुलेंस हमारे पीछे खड़ी थी मेन जंक्शन पे एंड किसी का रिस्पांस नहीं, यानी इतनी गंदी ट्रैफिक थी इमेजिन। एंड सब बेशरम जैसे खड़े, कोई कुछ कर नहीं रहा, मैं भाग भाग के बहुत पीछे से भाग भाग के मैं आगे गई ट्रैफिक पुलिस को, बोली कि पीछे एम्बुलेंस है। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है हम क्या करें, को समझ में आता, देखो ये कार वाले रुकते नहीं है। मैं बोली अरे ये कैसी बात होती है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था बिकॉज आई नो एम्बुलेंस में लोगों की जान चली जाती है। आई हैव बीन देयर, आई हैव लॉस्ट पीपल। मैं खुद जब एम्बुलेंस की थी, हम ट्रैफिक में अटके थे, तो वो क्या फीलिंग होती है, परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो सब। बट किसी को घंटा फर्क पड़ रहा था, इमेजिन मैं अराउंड इतना बड़ा सिग्नल है वो गोरेगांव स्टेशन का, वहाँ पर उतर के बीच में एकदम मैं भाग भाग के पूरा लेन आई हूँ आगे, और मुझे बीच जंक्शन में सबको रुकाने की कोशिश कर रही हूँ एंड कोई रुके ना, कैसे वैसे मैंने रुकाया पूरी एम्बुलेंस को जगह दिए जाने के लिए एंड लोग सिर्फ देखते हैं। मैं लोगों को बोल रही हूँ चलो चलो चलो, नाउ दे आर वरिड कि सिग्नल क्रॉस करेंगे तो चलान आएगा, मतलब हाउ डज इट इवन मैटर, थोड़ा सा चलाने तुम लोग भर सकते हो। इतनी ये चीज़ मुझे इरीटेट कर दी ना अभी, मैं चीज़ इसलिए रिकॉर्ड करूँ कि गाइज प्लीज़ गिव वे टू एम्बुलेंस, ना ये किसी की जान से बची है। तुम्हारा चलान रूल्स रेगुलेशंस प्लीज फॉलो इट लेटर, बट गिव वे टू एम्बुलेंस। अब मैं पवन का वेट कर रही हूँ, वो आ रहा है यहाँ पर। आई हैव वॉक्ड एटलीस्ट फॉर अ किलोमीटर नाउ, आई एम गोना वेट फॉर सम टाइम एंड ब्रीथ फॉर सम टाइम। दिस वाज टू मच फॉर मी टू इवन डाइजेस्ट एंड हैंडल एंड सी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये सब होता है ना, मैं रुक नहीं पाती हूँ अपने आप को, मतलब मैं रोक नहीं पाती हूँ। मैं उतर गई कार से, आई हैड टू डू व्हाट आई फेल्ट राइट, आई डिड दैट। बस आई वो आ गया भाई, पवन आ गया है, थोड़ा सा मैंने व्लॉग लिया है। तुमने बताया कम से कम 20 मिनट हो गया है, 20 मिनट तूने बताया व्लॉग लिया है तूने, कुछ क्या हुआ था उधर से, क्या वो बताया लोगों को। बट थैंक्स ब्रो, ये बोर्ड है ना? हां। और स्टिकर? स्टिकर। ए गाइस आवर बोर्ड इज रेडी, एपिसोड चालू कर दो बहन भाई और बाइक। बहुत ज्यादा क्या है ब्रो, रोज का नहीं होएगा ये, इतना फ्लैश दांत में कुछ अटक अटक मिलेगा तो आ जाएगा। अभी थार लग गई आज, बस यही एक सपना है, एक बाजू में थार और एक बाजू में बाइक, इतना ही तो जी है। इजी, नाखून से निकाल रहा, उसके नाखून काम आ गए, इतने बड़े बड़े दो निकाल दिया, क्या कहलाता है नाखूनों को। बारिश चालू हो गई गाइस, ऐसे लोग जमा हुए जैसे 12 बजने को 2 मिनट है और पवन का हैप्पी बर्थडे। अरे अरे अरे, साथ में हाथ लगाके केक काट रहे लोग, क्या बात है पर्सनल। ओ अभी आप सब देख सकते हो, क्या बात क्या बात भाई, मैट ब्लैक मिला यार, सब ग्लॉसी थे उधर, बता बहुत अच्छा है। और मेरे को प्लस पॉइंट क्या मिला, व्हाइट भी मिल गया उसमें मैट, मतलब मेरे सब कलर कॉम्बिनेशन ऊपर जा रहा है, इसमें तो सब कुछ दबा, और ये ब्लैक भी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं ब्लैक वाला आ रहा है। और मेरी कितनी आज वो सुना, बड़बड़ बड़बड़ हेलमेट्स के वजह से आज कितना मैंने सुना है, शैडो न्यू हेलमेट चलो गणपति बाप्पा मोरिया। अच्छा हेलो हेलो, ये विशा का गिफ्ट है भाई, तो ये हाथ नहीं लगाना, क्या बात है। पवन टीनर रसी, मैंने पहला इंसान देखा है जिसने हेलमेट पहला पहना है फिर जाके ना लास्ट में बैठ। अब बताओ, अरे यार पूरा पहन लो यार, अभी आई डाली हो। बस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, हो गया है हम लोग पैकिंग वैकिंग करके, आई थिंक वी आर ऑल सेट एंड होपफुली जब तक तुम लोग ये व्लॉग देखोगे तब तक हम लोग निकल गए होंगे हमारी राइड पे। एंड मैं ये बार करने वाली हूँ कि प्रीमियर सेट करेंगे हम लोग सारे व्लॉग्स के, तो 2 मिनट पहले लाइव चैट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द राइड, रिलेटेड टू आर डेस्टिनेशन, लाइक करंट वो अपन करेंगे यूट्यूब पे। डोंट फॉरगेट प्रीमियर सेट करूंगी, रिमाइंडर सेट कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कभी अपने ब्लॉग में बोलती नहीं ये चीज़, बट प्लीज़ ये बात कर लो बिकॉज लाइव चैट हम करेंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एज ऑलवेज दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल योर लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी एंड पवन अ पार्ट ऑफ योर डे, वी गोना सी यू इन अनदर व्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डोंट फॉरगेट दिस राइड इज ऑल अबाउट बहन भाई और बाइक, शास्त्र वाली अष्टविनायक राइड, टिल देन कीप कमिंग। Thank you.
विशाखाबूम विशाखाबूम मैं बोल रहा सुबह से तू तू बोल रहा इसलिए मेरे को इट्स कंटीजियस।